आप देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS Nation में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नाला सुपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रुग्णालय द्वारा संस्था के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय श्री नरसिंह के दुबे जी अर्थात बाबू जी, इनकी 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भावपूर्ण पुण्य स्मरण एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर के अवसर पर हम सभी यहां पर सम्मिलित हुए हैं। यहां हम आपको बता दें कि इस मौके पर कई विविध कार्यक्रम भी होते थे जो कि इस बार कोविड के चलते स्थगित किए गए। इस विषय में हमने यहां के डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश दुबे जी से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। ये हमारे बाबूजी श्री नरसिंह खिलावन दुबे, वैसे पूरा नाला सोपारा जो भी उनको जानते थे बाबूजी के ही नाम से बुलाते थे। वो उनकी पढ़ाई भले बहुत कम हुई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से इस बात को सीखा कि पढ़ाई का बहुत महत्व होता है, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका बहुत आग्रह रहता था। उन्होंने हमको पढ़ाया, बाद में उनकी एक इच्छा थी कि एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, भावी पीढ़ी की पढ़ाई के लिए कुछ अपने परिवार के तरफ से होना चाहिए। तो 1988 में इस संस्था की, उनके नाम से श्री नरसिंह के दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट, इस संस्था की स्थापना हुई। फिर हॉस्पिटल बनाया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट ने मान्यता दी महाराष्ट्र शासन ने, तो मेडिकल कॉलेज 1992 से शुरू हो गया और ये मेडिकल एजुकेशन का काम करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का, चैरिटेबल रेट में काफ़ी हद तक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई, जिससे बाबूजी को बहुत खुशी होती। फिर 1997 हमारे दिवंगत भाई सुरेश दुबे जी के नाम से एक और दूसरी संस्था बाबूजी ने बनवाई, जिससे बेसिक एजुकेशन पहली से लेकर 12वीं तक का, ग्रेजुएशन तक का जो बेसिक एजुकेशन है उसका स्कूल चालू किया गया, और बाद में जूनियर कॉलेज, कॉलेज वैसे लगातार बढ़ते बढ़ते आज वो कॉलेज चल रहा है। तो ये बाबूजी की प्रेरणा रही कि मेडिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों के प्रति लोगों ने हमेशा सजग रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता हर साल होती है, वनस्पति औषधियों का प्रदर्शनी होता है, फ्री मेडिकल कैंप तो होता ही है, इसके अलावा संभाषा प्रतियोगिता होती है जिसमें सामाजिक ज्वलंत विषयों पर परिचर्चा होती है। पूरे महाराष्ट्र के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के और अन्य कॉलेज के वो उसमें सहभागी होते हैं। उसके अलावा भोजपुरी भाषा से बहुत प्रेम था बाबूजी को, तो संगीत से भी प्रेम था, तो भजन संध्या और भोजपुरी कवि सम्मेलन, ये इतने कार्यक्रम हर साल आयोजित होते हैं। अभी इस साल एक तो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, उसके लिए गवर्नमेंट के विभिन्न प्रोटोकॉल है, और उसमें हमें महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने एक आदेश भेजा है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल ब्रांच से रिलेटेड कोई भी कॉलेज अपने कॉलेज में ऐसा कोई भी आयोजन न करे जिसमें भीड़ होने की संभावना है, जिससे कि ये महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाए। इसलिए ऐसा कोई कार्यक्रम, कोई भी गेट टुगेदर या कोई भी गैदरिंग कॉलेज में नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश वहाँ से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता, सैकड़ों बालक साथ में आते हैं, उनके पेरेंट्स साथ नहीं कर सकते, वन औषधि प्रदर्शनी नहीं कर सकते, संभाषा प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के विद्यार्थी आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं, वो भी नहीं कर सकते, न कभी सम्मेलन कर सकते हैं भोजपुरी का और न भजन संध्या कर सकते हैं। तो वो सब कार्यक्रम इस साल हमको स्थगित रखना पड़ा। पिछले साल तो महामारी बहुत ही ज़्यादा विकट रूप में थी, तो ये फ्री मेडिकल कैंप भी बहुत कम स्तर पर आयोजित करना पड़ा था। तो इस साल कम से कम हम फ्री मेडिकल कैंप लोगों की सुविधा के लिए पूरी तरह से फुल फ्लेज आयोजित किए हैं। देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी इसी वर्ष खत्म हो जाए, तो अगले वर्ष जैसे बाबूजी का कार्यक्रम हर साल होता था वैसे फिर से आयोजित होने लगे। तो क्या क्या मेडिकल कैंप है आज, क्या क्या उसमें चेकअप है, क्या क्या मेडिकल कैंप में? देखिए, आप किसी भी, आपको बीमारी का कोई भी कंप्लेंट हो, हमारे यहाँ 8 OPDs चलती है, जनरल मेडिसिन है, काय चिकित्सा, सर्जरी है,
शल्य तंत्र, ENT है, शालाक्य तंत्र, नेत्र रोग है, हर स्त्री रोग प्रसूति तंत्र है, बाल रोग है, और स्वास्थ्य रक्षण की एक अलग OPD है जो आमतौर पर नहीं होती लेकिन आयुर्वेद ब्रांच में होती है कि आप हेल्दी है तो हेल्दी कैसे बना रहे, इसके लिए एक अलग एडवाइस देने के लिए कक्षा है, पंचकर्म है, तो हर सुविधा है। और साथ में अटैच हमारा हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब कुछ है, तो किसी भी बीमारी से, किसी भी कंप्लेंट से अगर पेशेंट आएगा तो उसकी फ्री जांच होगी और फ्री चिकित्सा भी होगी आज। और आज के जिन दिन जो पेशेंट को देखा जाएगा, अगर उसको कोई ऑपरेशन उसका तय होता है, जैसे मान लो किसी की अपेंडिसेक्टॉमी करना है या किसी के पाइल्स का ऑपरेशन करना है, किसी का हार्निया का ऑपरेशन करना है, अगर आज के दिन वो डायग्नोज होता है तो जब भी उसका ऑपरेशन प्लान हुआ, आज के दिन सब ऑपरेशन तो हो नहीं सकते, तो अगर उसको नेक्स्ट डेट भी कोई दी जाएगी तो उस दिन भी उसकी उसका जो ऑपरेशन होगा वो फ्री होगा, निःशुल्क होगा। हमारे यहाँ के जो भी सर्जन है तो जो भी फैसिलिटी है वो सभी टोटल फैसिलिटी उसको फ्री है। आज यहाँ मेडिकल कैंप में हेयर ऑयल और च्यवनप्राश के प्रमोशन का भी एक स्टॉल लगाया गया। ये च्यवनप्राश और तेल इसी कॉलेज में यहाँ के विद्यार्थी और टीचर्स द्वारा बनाया जाता है, जो अब मार्केट में भी आ रहा है। इसके प्रमोशन के लिए ये स्टॉल लगाया गया। इसको बनाने वाली डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कुछ कह रही हैं, आए वो भी सुनते हैं। मैं डॉक्टर सरिता पासी, रसशास्त्र परिषद जो कल्पना विभाग प्रमुख, और डॉक्टर शिवानी मिश्रा लेक्चरर है हमारे डिपार्टमेंट में। तो हमने इस साल च्यवनप्राश और हेयर ऑयल दोनों का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया है हमारे टीचिंग फार्मेसी में। तो च्यवनप्राश का एक उद्देश्य था बनाने का कि COVID-19 के चलते हुए यहाँ पर जो इम्यूनिटी बढ़ाने की सभी जगह सोच रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो बहुत सारे द्रव्य है, बहुत कुछ है, लेकिन च्यवनप्राश ये बेस्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो हमने इसका निर्माण किया है च्यवनप्राश का। दूसरा है कि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हेयर्स के, हेयर लॉस के हेयर, तो हमने एक हेयर ऑयल भी मैन्युफैक्चर किया है, तो इसका लाभ सब लोग ले, इसलिए इस बार हमने ये प्रमोट किया है कि सभी जो जनता हमारे पास आती है नाला से परावसी से, तो उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर भी इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए हमने इस कैंप में इसका प्रमोशन किया है। मार्केट में जो उपलब्ध है वो सर, उनसे किस तरह अलग है आपका, या महंगा है, सस्ता है, कुछ पब्लिक को अच्छा क्या मिलेगा उसमें? ये जो च्यवनप्राश हमने यहाँ अपने डिपार्टमेंट रसशास्त्र भसे जो कल्पना टीचिंग फार्मेसी में बनाया है, तो जो च्यवनप्राश है उसमें हमने फ्रेश आंवला जो मार्केट से, अभी आंवले का जो सीजन चालू है तो फ्रेश आंवला वहाँ से मार्केट से हमने लिया है। प्लस जो यहाँ पे जो यूज़ किया है वो खड़ी शक्कर, दैट इज़ अ मिश्री, नॉर्मल शक्कर जो है वो उसका प्रॉपर्टी और खड़ी शक्कर का प्रॉपर्टी अलग है, तो खड़ी शक्कर जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो जो शास्त्रोक्त ग्रंथों में बोला गया है खड़ी शक्कर का इस्तेमाल, वो हमने इस च्यवनप्राश में किया है। बाकी जो च्यवनप्राश के 39 घटक द्रव्य है उससे भी संप्रमाण में, जो प्रमाण में ग्रंथोक्त संहिता में बोला गया है उससे हमने बनाया है। तो बट ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो इसका इफेक्ट आएगा वो कोविड के बाद पोस्ट कोविड रिकवरी में हो गया, बाकी अन्य डिजीज़ में कफ विकार जैसे हो गए आयुर्वेद में बताए गए हैं, छोटे बच्चों के लिए है, बुढ़ापे में है, ये ऐसा रसायन मतलब हर एज ग्रुप को हम दे सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसका सेवन प्रमाण शास्त्रोक्त के हिसाब से मात्रा में कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो हमने यहाँ डिपार्टमेंट में हमने टीचिंग फार्मेसी में ये किया है, प्रिपेयर किया है, दैट इज़ अ केश ऑयल, हेयर ऑयल तेल। तो इसका जो मेनली आजकल कैसा है कि स्ट्रेस की वजह से चिंता इतना है, सोचते हैं सब इतना ज़्यादा, फिर बहुत अन्य स्त्री रोग विकार भी है जैसे PCOD हो गया, थायराइड हो गया, उसमें हेयर लॉस जो होता है, हेयर फॉल है, ग्रेइंग ऑफ हेयर है, तो समस्या बहुत बढ़ गई है। डैंड्रफ की समस्या जो बोलते हैं, डैंड्रफ भी आजकल बहुत ऐसे लोगों में बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमने एक कोशिश की है मतलब अपना बनाने के लिए एक हेयर ऑयल, जो मेनली जो फ्रेश द्रव्य है इसमें आंवला वगैरह हो गया, भृंगराज जो है बहुत अच्छा आयुर्वेदिक बोला गया है, केसर अंजन का कार्य करता है, मेहंदी है, उसमें कड़ी पत्ता है जो अच्छा एंटी डैंड्रफ काम करता है, तो वो हमने डाल के तिल तेल जो है इसका मतलब, और कैस्टर ऑयल ये भी यूज़ किया है, और कोकोनट ऑयल जो मेनली मतलब हर हेयर को सूट होता है मोस्टली, उसका यूज़ करके हमने एक केश तेल बनाया है। अगर हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS Nation सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।